कक्षा 12वीं राजनीतिक विज्ञान पढ़ेंगे। कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान का अध्याय 12 नियोजित विकास की राजनीति पढ़ेंगे। पिछली क्लास में बच्चों हमने क्या पढ़ा था, याद है आप लोगों को कुछ की भूल गए? चलिए आपको बताते हैं, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था नियोजन का अर्थ क्या है, विकास का अर्थ क्या है, नियोजन और विकास से संबंधित परिभाषाएं पढ़ी थी, नियोजन के उद्देश्य पढ़े थे, फिर पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी थी। और उसके बाद आज देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार और नए आर्थिक हितों का उदय। सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार और नए आर्थिक हितों का उदय। कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का विकास क्रम दूसरे पंचवर्षीय योजना से शुरू हुआ था। तो पहली पंचवर्षीय योजना अपने भारत में सन 1951 से शुरू हुई थी और उसका समय था 1956 तक, और दूसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, 1956 से प्रारंभ हुई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना सन 1956 से प्रारंभ हुई थी। अभी तक कुछ उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में थे, जैसे प्रतिरक्षा, रेलवे, डाक एवं तार आदि। तो सार्वजनिक क्षेत्र का विकास कब शुरू हुआ था, जब दूसरी पंचवर्षीय योजना चालू हुई थी। और इसमें इस सार्वजनिक क्षेत्र के विकास में उद्योग ही सार्वजनिक क्षेत्र में थे, जिनमें थे प्रतिरक्षा, रेलवे, डाक, तार आदि विभाग सार्वजनिक क्षेत्र में थे। और सरकार ने यह महसूस भी किया था कि भारत के संपूर्ण विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार बहुत आवश्यक है। कि जब सार्वजनिक क्षेत्र का विकास होगा, अच्छा समुचित विकास होगा, तो उससे क्या होगा, भारत का समग्र और समुचित विकास सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर आधारित। तो नियोजित विकास की रणनीति में सार्वजनिक क्षेत्र के विकास को अंतर्निहित माना गया था। नियोजित विकास के लिए अत्यंत व्यवस्थित प्रक्रिया है, या कि नियोजित विकास की जो रणनीति थी उसमें सार्वजनिक क्षेत्र के विकास को महत्वपूर्ण माना। और जो सार्वजनिक क्षेत्र का विकास है यह काहे में नहीं अंदर निहित था, नियोजित विकास की रणनीति में। और यह सार्वजनिक क्षेत्र का जो विकास है यह उसकी एक प्रक्रिया बन गया था। नियोजित विकास की जो प्रक्रिया क्या बन गया था, सार्वजनिक क्षेत्र का विकास। इसके लिए प्रशासकीय संयंत्र की विस्तृत व्यवस्था भी आवश्यक है, जिससे नियोजन कार्यक्रमों को ठीक ढंग से लागू किया जा सके। इसके लिए प्रशासकीय संयंत्र की विस्तृत व्यवस्था भी आवश्यक थी, जिससे इसके नियोजित कार्यक्रमों को सही और ठीक तरीके से लागू किया जा सके। परंतु यह कहना ना होगा कि भारत में नियोजन तंत्र इस उत्तरदायित्व पर निर्वाह में पूर्ण तरह सफल नहीं हुआ। और भारत जो है इस नियोजन तंत्र में पूर्णतः सफल रहा। तो सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा रोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया गया था। पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा बच्चों रोजगार के अवसरों में वृद्धि की गई थी, जिसके कारण वृद्धि होने के कारण विकास और आर्थिक वृद्धि भी हुई थी। जब रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई तो उससे विकास और आर्थिक क्षेत्र में भी
सार्वजनिक क्षेत्र था उसको विस्तृत करने में, व्यापक करने में जे सी जौहरी जो विद्वान थे उनके द्वारा कुछ कारण बताए गए। आइए देखते हैं कि वो कारण कौन कौन से हैं। पहला क्या है? अर्थव्यवस्था के मूल क्षेत्रों को विस्तारित करना, अर्थव्यवस्था के मूल क्षेत्रों को विस्तारित करना। दूसरा है रेलवे, दूरसंचार, सुरक्षा और परमाणु ऊर्जा जैसे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए आधारभूत सामग्री जुटाना। तीसरा है चयनित क्षेत्रों के एकाधिकारों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शक्तियों को नियंत्रित करना। चौथा है जल उपयोग की वस्तुओं की कीमत पर नियंत्रण रखना। और पांचवा है रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु रोगी उद्योगों को सरकारी अधिकार में लेना। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए रोगी उद्योग जो कम हैं उनको आगे बढ़ाना और अधिक उनसे वृद्धि आर्थिक स्तर पर उनसे और अधिक वृद्धि लेना। सन 1955 के आवड़ी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस ने समाज के समतावादी ढांचे के निर्माण का संकल्प लिया। यह कहा गया कि भारत मुख्यतः कृषि प्रधान देश है जिसका औद्योगिक आधार अत्यंत निर्बल है। क्यों निर्बल है? क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और पहले भारत की जो अर्थव्यवस्था थी यह कृषि पर ही आधारित थी, परंतु समय के साथ साथ यह क्या हो गई, औद्योगिक आधार और उद्योगों पर भी इसका, परंतु निजी क्षेत्र के पास न हो पर्याप्त धन न हो और न ही प्रबंध की कुशलता अथवा अंतर संरचना की असुविधाएं भी नहीं है, अतः आर्थिक क्षेत्र में सरकार का पदार्पण आवश्यक है ताकि कृषि एवं उद्योग दोनों का विकास हो सके, रोजगार के अवसर बढ़े और गरीबी का निराकरण हो सके। अतः आर्थिक क्षेत्र में सरकार का पदार्पण आवश्यक है ताकि कृषि एवं उद्योग दोनों का विकास हो सके। जब रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो आर्थिक क्षेत्र भी मजबूत और संपन्न होगा। जब आर्थिक क्षेत्र मजबूत और संपन्न होगा तो संभवतः गरीबी का निराकरण भी होना संभव है। अब है सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार के कारण। तो सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित होने वाले उद्योगों की संख्या क्रमशः बढ़ने लगी, जो सन 2002 में कितनी थी, 242 तक पहुंच गई। 242 कब तक पहुंच गई? सन 2002 में। सरकार ने इस क्षेत्र में बहुत धन निवेश किया ताकि उत्पादन बढ़े और रोजगार के अवसरों का सृजन, जिससे जमीन, पानी, बिजली, यातायात का विकास हो सके। सार्वजनिक क्षेत्र में जो उद्यमों या उद्योगों की संख्या बढ़ने लगी थी और यह बढ़कर लगातार बढ़कर सन 2002 में 242 तक पहुंच गई थी और सरकार ने इस क्षेत्र में बहुत धन निवेश किया। क्यों किया? जिससे कि उत्पादन बढ़ सके। उत्पादन बढ़ने से रोजगार के अवसरों का सृजन होगा और बिजली, पानी, जमीन, यातायात, इन सब का विकास हो पाएगा। तो अभी हमने जे सी जौहरी ने अपनी पुस्तक राजनीति विज्ञान में सार्वजनिक क्षेत्र के विकास के निम्नलिखित कारण बताए हैं। जे सी जौहरी ने कुछ कारण सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार के बताए हैं जो इस तरह है। पहला है अंतर संरचना के निर्माण व उसके विकास के माध्यम से तीव्र आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। तो अंतर संरचना में क्या आती है, कौन किस चीज के निर्माण में, अभी पढ़ा हमने जमीन, पानी, यातायात,
संचार, बिजली, ये सब क्या है? अंतर संरचना है ना, संचार बिजली आदि के निर्माण को, आदि के विकास को प्रोत्साहित करना जिससे आर्थिक विकास हो सके। दूसरा है विकास हेतु वित्तीय संसाधन पैदा करना, ऐसे संसाधन खोजना, ऐसे संसाधनों की तलाश करना जिससे वित्तीय संसाधन मतलब जिनसे आर्थिक क्षति को या कमी को पूरा किया जा सके। फिर रोजगार के अवसरों का सृजन करना, रोजगार के अवसरों का सृजन होगा तो वहां से गरीबी का उन्मूलन निश्चित है। फिर क्षेत्रीय विकास को संतुलित करना, फिर कुटीर उद्योगों या उनसे जुड़े उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन करना, देश के आयात को घटाना और निर्यात को बढ़ाना। आयात और निर्यात बच्चों आपको पता होगा, आयात मतलब बाहर से दूसरे देशों से सामान को अपने देशों में बुलाना और निर्यात को अपने देशों के सामान को बाहरी देशों में पहुंचाना। अब है सार्वजनिक क्षेत्र की कमियां। तो जिस आशा के साथ सार्वजनिक क्षेत्र में विस्तार किया था वह आशा क्रमशः धूमिल पड़ने लगी, विशेष रूप से सन 1991 के बाद उदारीकरण के दौर में सार्वजनिक क्षेत्र की कमियां कुछ ज्यादा ही स्पष्ट हो गई थी। इनके मुख्य कारण है, जब 1991 में उदारीकरण का दौर चल रहा था उस समय सार्वजनिक क्षेत्र यातायात, बिजली, पानी, जमीन, इनमें कुछ कमियां स्पष्ट हुई थी जिसके कारण इस प्रकार है कि कौन सा उद्योग या उद्यम या कारखाना कहाँ और कितनी लागत से लगाया जाए, यह निर्णय राजनीतिक धरातल पर लिया गया, जबकि इस प्रकार का कोई भी निर्णय विशेषज्ञों की राय से लिया जाना चाहिए था। पुनः इस प्रकार के उद्योगों में प्रमुख राजनेताओं के रिश्तेदारों का विभिन्न पदों पर स्थायित्व किया गया था। जो उद्योग, जो कारखाने, जो उद्यम किसी विशेषज्ञों की उस जो फील्ड में थे उनके विशेषज्ञों की राय में जिनको करना था वह सब कहाँ चले गए थे, राजनेताओं के अधिकार में। और राजनेताओं ने ऐसे विभिन्न पदों पर अपने रिश्तेदारों को स्थापित कर दिया था। फिर दूसरा, इस प्रकार के उद्यमों में अत्यधिक धन निवेश किया गया परंतु इनमें से ज्यादातर उद्यम घाटे में आ गए। इस घाटे का मुख्य कारण कर्मियों और राजनेताओं में व्याप्त भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति था। भ्रष्टाचार के कारण जो राजनेता और जो उस उद्योगों के जो कर्मी थे उनमें क्या आ गया था, भ्रष्टाचार आ गया था, लालच आ गया था, जिसके कारण जितना अत्यधिक धन निवेश करने के बाद भी वह उद्योग क्या हो रहे थे, घाटे में चलते रहे। सबसे हास्यास्पद बात यह रही कि निष्पक्षता की ओर से यह आकलन करने की कोशिश नहीं की गई कि इस परिदृश्य के लिए उत्तरदायी कि कौन है, कि अगर यह इतना अत्यधिक बजट होने, इतना अत्यधिक निवेश राशि होने के बाद भी अगर घाटा है तो उसको यह जांचने की या आकलन करने की कोशिश भी नहीं की गई कि इसका कारण क्या है और इसका उत्तरदायी कौन है। फिर राजनीतिज्ञों ने ऐसे उद्यमों का संचालन अपने हित को देखते हुए किया कि बिना इस बात का ध्यान दिए कि उद्यमों का संचालन न्यायपूर्ण ढंग से हो रहा है या नहीं, राजनेताओं के भ्रष्टाचारी आचरण के चलते इन उद्यमों का प्रबंध अकुशल हाथ में चला और उद्यमों का घाटे का कारण बना। राजनेताओं और कर्मियों के भ्रष्टाचार के कारण जो उद्योग थे इनका प्रबंध, इनका संचालन अकुशल हाथों में चला गया, जिनको उसकी जानकारी भी नहीं थी कि वे उन उद्योगों का सफल रूप से संचालन कैसे करें। इसका कारण क्या हुआ?
यह सब घाटे का कारण बना। फिर सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सर्वप्रमुख कारण होता है जनमानस को आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना। इसके चलते सार्वजनिक उपक्रम को कम मूल्य पर वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराना होता है। इसके परिणाम स्वरूप उपक्रम घाटे में आ। फिर पांचवा, सार्वजनिक क्षेत्र की निजी क्षेत्र का मुकाबला नहीं करता। सार्वजनिक उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुएं निजी क्षेत्र की तुलना में बेहतर नहीं होती। इसका सार्वजनिक क्षेत्र की असफलता पर सीधा प्रभाव पड़ा। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में आवश्यकता से अधिक धन निवेश किया गया, अधिक मानव संसाधन उपलब्ध कराए गए। इसका सीधा परिणाम सार्वजनिक उद्यमों की असफलता के रूप में निकाला गया। राजनेता सार्वजनिक उपक्रमों की झूठी सराहना में लगे रहे, परंतु उदारीकरण की लहर में भारत सरकार को अपनी नीति बदलनी पड़ी। अब सरकार के सामने एक ही विकल्प बचा कि सार्वजनिक क्षेत्र के स्थान पर निजी क्षेत्र को स्थान दिया जाए। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण सार्वजनिक उपक्रमों के स्थान पर निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाने लगी। यदि समग्र रूप में भारत के विकासात्मक स्वरूप की विशेषताओं की चर्चा करें तो तीन तथ्य उजागर होते हैं। पहला है, राज्य के लोकतांत्रिक संसाधनों को मजबूत करने के साथ साथ आर्थिक विकास और जन कल्याण सुनिश्चित करने हेतु व्यापक योजनाओं का निर्माण करें। दूसरा, राज्य अर्थव्यवस्था के विकास में प्रगति स्वरूप निर्धारित करने के साथ साथ निरंतर हस्तक्षेप भी करता था। और तीसरा क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था का चरित्र मिश्रित अर्थव्यवस्था के निकट था, जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्रों के विकास पर भी बल दिया गया। बच्चों, ये सब आपकी किताब में भी दिया है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से, और अगर आप वीडियो नहीं देख पाए अच्छे से, कुछ परेशानी, तो आप अपनी वीडियो और अपनी किताब के माध्यम से इसको पूरा करेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे, और नोट करने के साथ साथ आपको बहुत अच्छे से याद भी करना है, क्योंकि बच्चों परीक्षा आपको देनी है, परीक्षा का समय नज़दीक आ रहा है और आपको बहुत अच्छे नंबरों से पास भी होना है। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इन सबको अच्छे से याद भी करेंगे।